अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 7:45 हो रहे हैं, तो अभी चलते हैं बाइक राइड पे। तो बाइक काफ़ी दिनों से राइड नहीं की हुई, तो वो भी राइड करते हैं। और आज उसकी मैंने जो है हेडलाइट्स हैं वो भी चेंज की थी, तो वो भी चेक करते हैं। तो अभी आपको दिखाता भी हूँ, एक लाइट जो है ठीक चल रही है और एक ठीक से नहीं चल रही। तो शायद यही वजह हो कि जो मेरी पहली राइड्स थी उनका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। तो अभी आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये तो उसकी पार्किंग लाइट ऑन हो गई है। तो ये मैंने जब लाइट्स ऑन की हैं तो ये वाली लाइट ठीक चल रही है, और ये वाली ये मध्यम है और ये ठीक है। ये आपको सामने से अंदाज़ा हो रहा है, इधर लाइट नहीं है। अभी ऐसा इसे तो फिर इलेक्ट्रिशियन को दिखाना पड़ेगा कि मेरा जो लाइट का बल्ब है वो ख़राब है या उसकी जो वायर आती है वो ख़राब है। तो जो भी इशू होगा, मुझे तो ये लग रहा है कि करंट जो है ना उसकी तरफ नहीं जा रहा, कम जा रहा है। दिखाएंगे इलेक्ट्रिशियन को, लेकिन रात को तो दिखाने बंद हो जाते हैं, अगर तो हुई तो दिखा देंगे, नहीं तो फिर जब इंशाल्लाह ट्रिप से वापस आएंगे तब दिखाएंगे। तो आज इंशाल्लाह ताला ट्रिप का भी पता लग जाएगा कि हमारा फाइनल होता है कि नहीं होता। और सर्दी चेक करें, मुंह से धुआं भी निकल रहा है अभी। चलें जी, तो अभी चलते हैं बाहर, और ग्लव्स वगैरह भी ले रहे हैं। अहद और मुजम्मल जाकर ले आए थे ग्लव्स वगैरह, तो ये ले लिए हैं, तो आज टेस्ट भी हो जाएंगे। और सर्दी भी जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है, अभी चलते हैं राइड करने। और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है और फॉग भी जो गिरना स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी लाइट चेक कर लेते हैं, ये क्या सूरत हाल है, ऑन ही नहीं हो रही लाइट्स। और ये क्या हो गया, एक मिनट, लाइट्स ऑन होंगी, हाँ ऑन तो होगी, ऑन क्यों नहीं होनी। ऐसा लग रहा है कि एक ही लाइट जो है वो ऑन हुई है, दूसरी ऑन ही नहीं हुई। लाइट्स मैंने इस वजह से चेंज की है क्योंकि इसकी जो अपनी लाइट्स थी ना, ओके, मौसम भी आ गया है और मुजम्मल भी आ गया है। चलिए अभी चलते हैं चाय पीने के लिए। तो मैं बता रहा था कि लाइट्स जो है तो वो मैंने इसलिए चेंज की है क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो मेरी लाइट्स के अंदर है ना डस्ट जाना स्टार्ट हो गई है। तो जो ये ओरिजिनल लाइसेंस के साथ आता है डस्ट प्रूफ, तो वो मैंने लगा दिया था। तो अभी चलते हैं चाय पीने के लिए, और अपने जो ग्लव्स हैं ये भी चेक हो जाएंगे कि ग्लव्स हमारे ठीक हैं कि नहीं है। तो वैसे बाय द वे जो रोशनी है यार अच्छी है, वाइट रोशनी से तो ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। या तो मैंने फिटिंग ऐसी कर दी है कि वो अच्छी हो गई है, जो भी इशू है ठीक है, क्लैरिटी अच्छी आ रही है लाइट्स की। ये लाइट्स जो है ना तो मुझे लग रहा है उन लाइट्स से ज़्यादा बेहतर काम कर रही है, वैसे तो वहाँ तक जा रहा है, तो ये ठीक है लाइट्स। आज बाइक भी थोड़ी बहुत इशू कर रही है, पता नहीं ठंड की वजह से कर रही है क्या इशू है, लेकिन कर रही है। और ये जो मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो उम्मीद है कि वॉइस भी बिल्कुल अच्छी होगी और जो रिजल्ट है वो भी बिल्कुल अच्छा आ रहा है, क्योंकि फाइनली जो मेरा न्यू मोबाइल है उसके साथ ये अटैच हो चुका है। और मुझे एक सेटिंग था नहीं पता था, तो वो आज अचानक ही मुझे नज़र आ गई और मैंने वो सेटिंग कर ली और मेरा जो इशू है वो सॉल्व हो गया था। तो अभी पहुँच गए यहाँ पे, यहाँ बैठ के पी लेते हैं चाय। कोई नहीं आ रहा, ओके ठीक है भाई। यहाँ पे आके पता चला है कि ये वाली लाइट ऑन ही नहीं है, सिर्फ एक चल रही है और दूसरी बिल्कुल भी नहीं काम कर रही है, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी ज़रा अच्छी जो है हमें रोशनी मिल रही है। लो पे ये चलती है और हाई पे नहीं चल रही। चलें, ये चाय भी आ गई है हमारी। इंशाल्लाह ताला इस तरह की बस होगी और इसी तरह की बस होगी, इंशाल्लाह ताला हम जा रहे होंगे, हैं इसे अच्छी होगी। अभी तक मैंने नहीं किसी को बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, अपने ग्लव्स पहन लेते हैं। आज वैसे जो धुंध है काफी ज्यादा कम है, कल तो बहुत ज्यादा धुंध थी, तो ये लाइट्स एक लाइट नजर आती थी, आगे की लाइट्स नजर ही नहीं आ रही थी। अभी तो माशाल्लाह वहां तक लाइट्स जो है नजर आ रही है। तो अभी बाजार से लेते हैं एक सी टाइप ओटी जी, कहीं मैं बोल ही ना जाऊं, तो वो लेते हैं जाके। सर्दी बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, बता रहे हैं कि कल बारिश का भी इम्कान है, पता नहीं बारिश होती है कि नहीं होती।
हम तो इंशाल्लाह ताला अपनी फ्लाइट पे होंगे, अल्लाह खैर रखे। ये जो धुंध है इसके अंदर नमी काफी ज्यादा महसूस हो रही है, मैंने वाइजर खोला हुआ ना तो मेरे चेहरे को नमी नमी महसूस हो रही है। मुझे मुझे ये डर है कि मेरा मोबाइल पे पानी नहीं चला जाए, सारी व्लॉगिंग कॉल मैंने इंशाल्लाह ताला इसी से करनी है। Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Okay, so this sorry about the whole thing. मार्केट में बंद हो गया, अभी देख लेते हैं कोई एक आधी शॉप खड़ी होगी ना तो वहां से लेंगे, कि वैसे ये सारी मार्केट जो है अभी बंद हो गई है। बंद है भाई, फिर मुझे सुबह ही लेना पड़ेगा, आगे भी सारी जो शॉप्स हैं वो बंद है। तो चलो गाड़ी चलते हैं। चलिए जी गाइस, अभी तैयारी शुरू कर लेते हैं। पावर बैंक मैं ले आया हूँ, अभी इसे चार्ज करना है तो वो चार्ज कर लेंगे। ग्लव्स वगैरह हो गए हैं और क्या क्या रह चुका है, यूएसबी भी है हमारे पास, और क्या रह गया है ओटीजी, ये इंशाल्लाह सुबह ले लेंगे। तो अभी दुकान बंद थी। चार्जर अभी मोबाइल चार्जिंग पे लगे हुए हैं। पावर बैंक हो गया है। कैप इंशाल्लाह ले लेंगे। दस्ताने भी हैं, सेल्फी स्टिक भी हो गई, जो जो चीज़ें होगी उन पर लगा देते हैं। टिक यूएसबी भी हो गई है, चार्जर भी हो गया है और पावर बैंक भी हो गया है, दस्ताने भी हो गए हैं, सेल्फी स्टिक भी हो गया है। लाइट अभी चार्ज कर लेते हैं। ग्लासेस ये रखनी है, ये निकाल लेता हूँ बाहर। ग्लासेस भी हो गई हैं। जैकेट अभी पैक करने, कपड़े जब पैक करेंगे तब जैकेट भी रख लेंगे। हैंड फ्री रहती है, ये भी लेके आते हैं। कैप भी हो गई है और हैंड फ्री वो भी आ गई हैं। शूज रह गए, जराबे रह गई हैं, कपड़े रह गए हैं, टिकट रह गई है, मोबाइल, ये इंशाल्लाह ताला बाकी जो चीजें रह गई हैं इंशाल्लाह ताला सुबह पैक कर लेंगे। एक वो होगा मेरा बड़ा बैग जिसमें कपड़े वगैरह होंगे, तो एक वो होगा और एक ये छोटा बैग रख लेंगे, इसमें वॉलेट वगैरह और जो भी छोटी छोटी चीजें जरूरत की होगी तो वो इसके अंदर रखेंगे और ये साथ ही रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो बाकी की जो तैयारी है वो इंशाल्लाह ताला सुबह करेंगे। तो इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को कर देते हैं लाइक, चैनल को कर देते हैं सब्सक्राइब। तब तक देते रहिए, अल्लाह हाफिज़।